कि ये बराबर लगता है कि घुटना था। अब हम कहेंगे कि निशान किसका है, तो वो बलवान थे, उनमें शक्ति थी और जहाँ हाथ लगाते चलते थे तो धरती कांपती थी। अब ये सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में हम देख रहे हैं, तो ये पीछे निशान रह जाएगा। तो इसको लंबी बात नाम न करते हुए, और यही है कि कुछ न कुछ यहाँ पर था। काफ़ी बड़ा ये पैर है, यानी तकरीबन 7 फुट के करीब इसकी जो लंबाई होगी, इतना बड़ा पैर, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी घुटने भी हैं और पैर का भी निशान लगा है। और ये पीछे धरती पर कई बोलते हैं कि कोई कुआं होगा, पानी पी रहे होंगे, हाथ पे रखे तो घुटने यहाँ पर लगे। ये देख रहे हैं आप, पूरे निशान है यहाँ पर, ये घुटने का निशान है, पैरों का निशान, वो भी लगता है, ये भी लगता है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो प्राचीन काल से हमको जो याद हैं या अपने बुज़ुर्गों से हमने सुनी है, तो उनको उजागर किया जाए, उनको जो प्रमोट किया जाए और लोग उन चीज़ों को देखें कितनी उनके अंदर जो सच्चाई है। इसलिए कोई ना कोई टॉपिक हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में निकालते रहते हैं। तो अभी हम जो सुई गुआडी में आए हैं, ये डोडा से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पर आए हैं, एक पत्थर है, इस पत्थर के बारे में हमने काफ़ी सुना था, लोग इसकी काफ़ी तारीफ करते थे। यहाँ पर जो भीम के घुटने लगे हैं, अब क्या इसमें सच्चाई है, कैसे वो लोग इसके बारे में भीम के घुटने जो बता रहे हैं। हमारे साथ अभी संधूर सिंह जी, जो शाइजा सुई गुआडी के रहने वाले हैं, इनकी आयु भी इस वक्त जो 75 पार कर चुकी है, इनको भी कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। हम इस वक्त इसी जगह पर आए हैं, काफ़ी पैदल जो हमारा सफ़र हुआ, हम यहाँ पर पैदल आए और इसी पत्थर के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भीमसेन के घुटने हैं, यानी जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर जो पांडव आए थे, वो ना कि इसी जगह पर बल्कि पूरी ज़मीन उन्होंने उस वक्त जो घूमी है, तो इस जगह पर भी वो आए हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम इसको झूठ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो चीज़ हमने सुनी है वही चीज़ आगे चलेगी। अगर किसी के बारे में हमने कुछ सुना है तो हो सकता है कि वो कुछ सच्चाई हो, तो ऐसा ही लोगों का कहना है। इसलिए तब से लेकर आज तक ये नाम चला है। मैं हाथ से आपको दिखाऊंगा, ये घुटने, लोगों का कहना है कि ये भीमसेन के घुटने हैं। उस साइड एक घुटना है, इस साइड एक घुटना है, और लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर पानी हुआ करता था, वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे, उसके बाद अपनी गदा यहाँ पर उन्होंने डाली थी, इस जगह पर रखी थी और वो पानी पी रहे थे। उसके बाद मैं पीछे भी आपको एक और उनका जो चिन्ह है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर पैर का निशान लगा, भीमसेन जी के पैर का निशान यहाँ पर लगा है, और हाथों के भी कुछ निशान यहाँ पर जो लगे हैं। कितनी प्राचीन ये जगह हो सकती है, किस प्रकार का इतिहास जो पांडवों का यहाँ पर रहा होगा, इस जगह पर वो ठहरे होंगे। काफ़ी पवित्र इस जगह को जो आज भी माना जाता है, आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिन लोगों के मन में श्रद्धा होती है तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है। संधूर सिंह जी जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने अपने उन बुज़ुर्गों से सुना है जो पहले गुजर गए, उनसे पहले जो और थे वो गुजर गए, यानी लिखित में तो कुछ नहीं है, ये दंत कथा जो हमारे पास जो अभी मौजूद है, हम दंत कथा ही इसको कह सकते हैं, लिखित तो उस टाइम में होता नहीं, लेकिन जैसा लोगों ने सुना है उसी प्रकार की ये पूरी कहानी है। संधूर सिंह जी, क्या आपका कहना है इस पत्थर को लेकर, क्योंकि काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे थे कि भाई यहाँ पर जो भीमसेन जो यहाँ पर आए थे उनके घुटनों के यहाँ पर निशान थे, क्या आपका कहना है?
हाँ, सबसे पहले केर सिंह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर की जेके मीडिया, आपने फ़ोन किया था मुझे, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने जो डिटेल से बताया है, और यही एक्चुअली मैं इसी को रिपीट करूँगा, मैं संदूर सिंह कोतवाल, डिस्ट्रिक्ट डोडा शाजा, गांव लाहौर शाजा में रहता हूँ। तो काफ़ी अरसे से मैंने पेट की खातिर, देश की खातिर नहीं, लंबे अरसे से 32 साल नौकरी की, रिटायरमेंट आया, और ये भूमि, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप सभी पढ़े लिखे और विद्वान हैं, कि धनभाग्य हमारे कि भारत की भूमि पर, खास करके जम्मू कश्मीर, ऊँचे पेड़ पौधे, नाले खोले, झरने चुनावे दरिया, ये यहाँ की एक बात नहीं, बहुत जगह पर, हजारों लाखों जगह पर देवी देवताओं का आना जाना होता था। तब पवित्र लोग थे, स्वच्छ था, अल्पड़ बेशक थे, अनुभव नहीं था, लेकिन सच्चाई पर ये भूमि टिकी हुई है। तो आज यानी कि बुधवार है 2023 को, यहाँ पर ये बेटे के समान है, हमारे बहुत अनुभव है इनका, हमें गौरव है कि आने वाली पीढ़ी भी इस राह पर चलेगी। तो ये जो भीम सिंह का नाम लिया है, तो मेरे दादे परदादे ने कहा होगा, और उन्होंने मेरे पिता को कहा, मेरे पिता ने मुझे कहा, तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ। तो ये बहरहाल कुछ न कुछ इस भूमि पर हुआ, जैसे पांच पांडु कहते हैं और भीम सिंह का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर निशान जो दिखाए केर सिंह जी ने, आप अभी भी देख रहे हैं निशान को, तो ये हकीकत है कि पांच पांडु के टाइम पर ये वो शुभ था, ये जगह अशुभ थी, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका आना यहाँ पर हुआ था, इसका नाम रहा है। तो और अपनी हम फर्जी बात नहीं करना चाहते हैं, तो यही है कि ये जो आप देख रहे हैं, हाँ ये देखिए, जैसे कि केर सिंह ने दिखाया कि ये बराबर लगता है कि घुटना था, अब हम कहेंगे कि निशान किसका है, तो वो बलवान थे, उनमें शक्ति थी, और जहाँ हाथ लगाते चलते थे तो धरती कांपती थी। तो बहरहाल हमारे दिमाग में यही आता कि सदियों से ये पर बने ही है। तो इसके आप नीचे देख रहे हैं, ये छोटा सा जो देखो बनाया, इसमें कोई अगर किसी मिस्त्री ने बनाया, तो बहरहाल ये हकीकत हो सकता है, हम आप तब नहीं थे यहाँ पर, अब ये सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में हम देख रहे हैं, तो ये पीछे निशान रह जाएगा। तो इसको लंबी बात न करते हुए, और यही है कि कुछ न कुछ यहाँ पर था, आपका अनुभव है। भीम सिंह नाम इसका बोलते हैं, भद्रवा में जानू यानी घुटनों को बोलते हैं, इसका नाम रखा था भीम सिंह जानू, तो उसके घुटने लगे, तो यही हमारा भी दिमाग यही काम करता कि यहाँ पर कुछ हुआ और था, तो धन्यवाद करता हूँ। और कुछ न कहते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं, पीछे भी पैर का निशान लगा है, काफ़ी बड़ा वो पेड़ है, और कुछ और भी जो चिन्ह यहाँ पर लगे हैं उनको भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, और इनसे पूछेंगे इसमें कितनी जो सच्चाई आपको लगती है, क्योंकि बराबर लग रहा है कि ये पैर का निशान है। दूर से आप देखेंगे, कैमरे में हम आपको साफ साफ दिखाएंगे, ये पैर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है। इनका कहना है कि पैर का ये निशान है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो चिन्ह बने हैं, क्या आपका कहना है? उस साइड भी एक निशान, बिल्कुल कहने दुरुस्त कह रहे हैं आप केर सिंह जी, कि अगर जो निशान के मुताबिक है तो ये पैर का ही निशान मुझे भी लग रहा है, और जैसे नीचे दिखाया है, तो अभी हम कहेंगे कि पत्थर पर पैर का निशान कैसे लगा, तो उन्होंने भूमि जो तैयार की है यहाँ पर, तो वो कुछ भी जहाँ हाथ रखते थे तो वो धरती बैठती थी, तो ये पैर का निशान लगता मुझे, आप देखेंगे नीचे बराबर पैर का है, ऐसे को पैर है ही आगे, तो नीचे तो आपने देख लिया, और हो सकता है कि उस जमाने में चुनाव भी यहाँ तक था, और ये पीछे धरती पर कहीं बोलते हैं कि कोई कुआं होगा, पानी पी रहे होंगे, हाथ पैर रखे तो घुटने यहाँ पर लगे, ये देख रहे हैं आप पूरे निशान है यहाँ पर, ये घुटने का निशान है, पैरों का निशान वो भी लगता है, ये भी लगता है। तो नीचे जो मीडिया वाला केर सिंह ने आपको बताया डिटेल से, वो हकीकत है, तो सही होता है तो भगवान जाने। और कुछ ना कहते हुए, ये काफ़ी है, और ये सच है कि यहाँ पर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की भूमि पर, जैसे मणिमहेश जाते आप, कैलाश जाते हो, कहाँ कहाँ जाते आप, यात्रा जा रही है, करोड़ों साल पहले लोग भी गए, तो उसका नाम रहा, तो ये सच है। तो पहले हमने आपको भीमसेन के जो घुटने दिखाए, और अब ये पैर हम आपको दिखा रहे थे पूरी तरह, यहाँ पर जो पैर लगा है काफ़ी बड़ा ये पैर है, यानी तकरीबन 7 फुट के करीब इसकी जो लंबाई होगी, इतना बड़ा पैर, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी घुटने भी हैं और पैर का भी निशान लगा है, ये काफ़ी बड़ा जो पैर का निशान है। और इसके अलावा ये घुटना बता रहे हैं लोग कि ये
घुटना है जी, काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये घुटना लगा है। कहा जाता है कि पानी यहाँ पर हुआ करता था, और पानी पीने के लिए जो पांच पांडव यहाँ पर आए थे और जो भीमसेन थे, उन्होंने यहाँ पर जो पानी पिया था काफ़ी समय तक, इस जगह पर उन्होंने जो ठहर कर जो विश्राम किया था, विश्राम करने के बाद जो यहाँ से वो चले गए। और ऊपर भी मैं आपको दिखाऊँगा, ये कुछ जो ऊपर भी कुछ निशान लगे हैं, ये किस चीज़ के निशान हैं, ये कैसे निशान लगे हैं, लेकिन जैसे निशान जो नीचे हैं उसी तरह के सेम जो निशान ऊपर भी लगे हैं। और यही लोगों का कहना है कि भाई ये जो है, ये जगह जो है, ये भीमसेन के जो घुटने यहाँ पर लगे थे, ये वही पत्थर है। लोग यहाँ पर आते हैं, जो आसपास के ही यहाँ पर जो लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी, बाकी आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत कम लोगों का यहाँ पर आना होता है। और आज हम यहाँ पर आए हैं, इस पत्थर को आपको दिखा रहे हैं, कितनी इसके अंदर जो सच्चाई थी हमने आपको दिखाई। आप कमेंट्स कर बताना कि क्या आपको लगता है कि ये भीम का पत्थर है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भीम के जो घुटने लगे हैं, आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताना और अपनी राय हमको देना, क्योंकि लोगों ने ये कथा याद रखी है, ये कहानी याद रखी है। ये जो सुदूर सिंह जी थे, इनके बुज़ुर्गों ने इनसे बताया और उनके बुज़ुर्गों ने उनसे बताया, तो ऐसे ये पुराने समय से जो सिलसिला चलता आ रहा है, तो आज इनको इसके बारे में याद है, अपनी आगे आगे की जो पीढ़ी है उसको भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भीमसेन का पत्थर है, यहाँ पर उनके घुटने जो लगे हैं, तो इसलिए आज हम इस पत्थर के पास आए थे। और ये पूरे जितने भी चिन्ह इसके ऊपर लगे हैं, ये हम पूरे आपको जो दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।